किसी ने क्या खूब कहा है, अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं और परिस्थितियां इंसान को जीने का ढंग सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें बड़े बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का होता है, इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सुनते हैं स्टोरी। एक व्यक्ति था, उसके पास दो हीरे थे जिसमें से एक नकली था और एक असली था। वह प्रत्येक राज्य में जाता और वहां के राजा की सभा में हीरे की पहचान करने के लिए सबको बोलता, राजन अगर यहाँ उपस्थित किसी ने भी हीरे की पहचान बता दी तो मैं यह हीरा उस राज्य को दे दूंगा और अगर नहीं पहचान पाए तो हीरे के दाम के बराबर मूल्य ले लूंगा। ऐसा करते हुए वह कई राज्यों से ढेर सारा धन इकट्ठा कर चुका था। एक बार वह भंवरपुर के राजा के पास पहुंचा। भंवरपुर के राजा अक्सर अपनी सभा महल के बाहर लगाया करते थे जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं का सुलझाने का प्रयास किया करते थे। वह व्यक्ति दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक में कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूं। आपके इस राज्य में उपस्थित व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दें कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ा सकती है। मैं यह हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे के जितना मूल्य उनकी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूं और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे का पहचान करें। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। दिखने में दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सबके मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दें तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान पड़ेगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी, राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो यह बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा, लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को वह सम्मान उस मेज के साथ ला जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा बस कांच का टुकड़ा। अंधे बूढ़े व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी, बूढ़े बाबा की जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे किसी की चमक तो पता नहीं, लेकिन चलिए लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का टुकड़ा धूप से तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उसने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, चलिए देखते हैं। पहली शिक्षा क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण व विशेषता पाई जाती है जिसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा सीख क्या मिलती है कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान गुण इनका भंडार होता है वो कभी भी क्रोधित व गर्म नहीं होते हैं, अपितु जो बात बात पर नाराज व गर्म हो जाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। बैलू हीरे की तरह और काम भी हीरो की तरह होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का हल इस दुनिया में है, बशर्ते आपके पास अनुभव और अभ्यास होना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और
अगर कोई एडवाइस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स में दीजिए, नहीं तो शेयर कीजिए अपने मित्रों में, इनको भी अच्छी स्टोरी सुनने का और मोटिवेशन बढ़ने का मौका मिले। और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको मोटिवेशनल स्टोरी के। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।